जनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं। जनेश्वर मिश्र जी वो उस पीढ़ी के नेता रहे जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर जी और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। जनेश्वर मिश्र जी को जहां हम लोग याद कर रहे हैं, वहीं ये भी याद कर रहे हैं कि जिस तरीके से जनेश्वर मिश्र जी और नेताजी ने इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया, आज के दिन हम सभी समाजवादी साथी ये संकल्प लेते हैं जो समाजवादी आंदोलन चला है उसको और बढ़ाने का काम करेंगे। प्रदेश और समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान का रास्ता अगर कोई दे सकता है तो समाजवादी विचारधारा। जिस तरीके से नफरत बढ़ रही है, जिस तरीके से भेदभाव बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से एक क्षेत्र को ज्यादा लाभ पहुंचा करके दूसरे क्षेत्र को दबाया जा रहा है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, गरीब हो या कोई आज न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता है। जहां लोकतंत्र और संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने हमें जो अधिकार दिए उन अधिकारों को भी छीना जा रहा है। जिस तरीके से निजीकरण बढ़ाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके कुछ उद्योगपतियों को कैसे लाभ पहुंचे उस दिशा में एक एक कर फैसला ले रही है। और हमें याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से एक कानून ब्रिटेन में पास हुआ था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में कारोबार कर रही थी वो सरकार बन गई थी, आज भारतीय जनता पार्टी लगातार उन कानूनों को बना रही है जिससे कि पूरी की पूरी सरकार एक प्राइवेट हाथों में चली जाए। सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आज हम सब समाजवादी लोग इस बात का संकल्प लेते हैं कि जो बिगड़ी हालत है प्रदेश और देश की उसको कोई सुधार सकता है तो समाजवादी विचारधारा, वही जो जेपी ने दी, वही विचारधारा जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दी, जिस विचारधारा को लेकर के नेताजी चले, जिस विचारधारा के लिए संघर्ष छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी ने किया, उन्हीं विचारधारा से देश और समाज का भला हो सकता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।